महाराष्ट्र के राज्यपाल ने रिटायरमेंट की इच्छा जताई है। पीएम मोदी से भगत कोश्यारी ने पद छोड़ने की इच्छा जाहिर की है। देखिए, पीएम मोदी के मुंबई दौरे के वक्त रिटायरमेंट पर चर्चा हुई थी। पीएम मोदी के मुंबई दौरे पर मैंने उनसे बात की, ये बयान भगत सिंह कोश्यारी की तरफ से दिया गया। कहा कि उन्होंने पिछले सप्ताह अपनी मुंबई यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, जिसमें उन्होंने अपना शेष जीवन पढ़ने लिखने और अन्य आराम की गतिविधियों में बिताने की मांग की। जो ट्वीट किया गया उसका कॉन्टेंट देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की हाल ही में मुंबई यात्रा के दौरान मैंने उन्हें सभी राजनीतिक जिम्मेदारियों से मुक्त होने और अपना शेष जीवन पढ़ने लिखने और अन्य गतिविधियों में बिताने की अपनी इच्छा से अवगत करवाया है। महाराष्ट्र ट्वीट करता है और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, ये ट्वीट देखिए राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की तरफ से किया गया और इच्छा जाहिर की रिटायरमेंट की। कहा कि बाकी का जीवन पढ़ने लिखने और आराम की गतिविधियों में बिताना चाहता हूं। ये ट्वीट के जरिए देखिए अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए भगत सिंह कोश्यारी। एक बैठक हुई थी और इसी बैठक के बाद ये एक ट्वीट भी भगत सिंह कोश्यारी की तरफ से किया गया, जिसमें उन्होंने इच्छा जाहिर की कि अब वो रिटायरमेंट चाहते हैं। अपने पद को छोड़ने की इच्छा उन्होंने जताई और साथ ही कहा कि अब वो रिटायरमेंट चाहते हैं और इसी के साथ ही इस बात का जिक्र किया कि अब मैं अपना बाकी का जो शेष जीवन है वो अन्य गतिविधियों में, आराम की गतिविधियों में, पढ़ने लिखने में गुजारना चाहता हूं, बिताना चाहता हूं। तो इच्छा जाहिर की है रिटायरमेंट की भगत सिंह कोश्यारी की तरफ से ट्वीट के जरिए। देखिए ये लिखा गया, ट्वीट का कंटेंट हम आपको दिखा रहे हैं। राज्यपाल का पद छोड़ने की इच्छा जाहिर करते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मैंने अपनी इच्छा बताई है पद छोड़ने की और बाकी का शेष जीवन मैं पढ़ने लिखने पर मैं बिताना चाहता हूं। मुंबई दौरे के वक्त रिटायरमेंट पर चर्चा हुई थी और उसी वक्त देखिए भगत सिंह कोश्यारी ने यह ट्वीट किया। ट्वीट का कंटेंट आप देख लीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी की हाल की मुंबई यात्रा के दौरान मैंने उन्हें सभी राजनीतिक जिम्मेदारियों से मुक्त होने और अपना शेष जीवन पढ़ने लिखने और अन्य गतिविधियों में बिताने की अपनी इच्छा से अवगत करवाया है। यह ट्वीट भगत सिंह कोश्यारी की तरफ से किया गया है और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अजीत सिंगराठी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, भगत सिंह कोश्यारी रिटायरमेंट की इच्छा जता रहे हैं और उनका कहना है कि मैं अब बाकी का जीवन पढ़ने लिखने में बिताना चाहता हूं, कोई और वजह तो नहीं कहीं इसके पीछे? देखिए, मैं आपको अपने दर्शकों को बता दूं कि भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड के बहुत बड़े नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, उत्तराखंड के दूसरे मुख्यमंत्री रहे हैं, यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष, तमाम पदों पर रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं। मुख्यमंत्री का उनका टेन्योर बहुत कम था, बीच बीच में ये अटकरें लगाई जाती थी कि जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती थी कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, लेकिन इसी बीच वो राज्यपाल महाराष्ट्र हो गए। और अब चूंकि आज जो खबर आ रही है, ये खबर दो महीने पहले भी एक चिट्ठी होम मिनिस्टर को भी लिखी थी, क्योंकि गवर्नर की नियुक्ति का नोडल विभाग होम होता है, तो एमएचए को भी एक चिट्ठी गई थी। और अभी ये प्रधानमंत्री से जो उनका कन्वर्सेशन है, जो जिस तरह से उन्होंने अपने ट्वीट में बताया है, तो वो अभी ताजा है और उन्होंने वाकई ये इच्छा जताई है। लेकिन एक पॉलिटिशियन को लेकर के और जिस तरह से भगत सिंह कोश्यारी यहाँ पर राजनीति में बहुत जबरदस्त तरीके से सक्रिय रहे हैं, ये विपक्ष में रहे हैं तो वो सरकार को घेरने में लगे रहे। बिल्कुल। अजीत जी, हमारे सहयोगी रौनक मुंबई से सीधे जुड़ गए हैं, उनसे भी जरा पूछ लेते हैं कि मुंबई में किस तरीके की हलचल है, महाराष्ट्र में किस तरीके की हलचल है। अगर वहां के राज्यपाल इस तरीके की इच्छा जताते हैं तो उसके पीछे वहां किस तरीके का बैकग्राउंड पता चल रहा है, रौनक बताएं। जी देखिए, मुख्य तौर पर भगत सिंह कोश्यारी की तरफ से राज्यपाल की तरफ से खुद प्रेस रिलीज जारी करके इस बात की जानकारी दी गई है कि उन्होंने प्रधानमंत्री की जो कुछ दिन पहले मुंबई में विजिट हुई थी, उस दौरान जब उनसे मुलाकात हुई तो प्रधानमंत्री के सामने उन्होंने इच्छा व्यक्त की है कि उन्हें अब इस पद से जो है वो मुक्त कर दिया जाए। लेकिन इसके पहले के बैकग्राउंड को मैं आपको दर्शकों को ये समझाना चाहता हूँ कि मुख्य तौर पर भगत सिंह कोश्यारी ने पिछले दिनों जिस तरह से उनकी तरफ से बयानबाजी की गई थी और विपक्ष लगातार राज्यपाल को एक राजनीतिक व्यक्ति होने की वजह से जो है वो टारगेट करता हुआ दिख रहा था, और यही वजह है कि उन पर कहीं ना कहीं दबाव बढ़ता जा रहा था। ये प्रमुख वजह मानी जा रही है जिसकी वजह से इस तरह के जो इच्छा है वो खुद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने व्यक्त की है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर समझने वाली ये है कि राज्यपाल ने प्रधानमंत्री से जो इच्छा व्यक्त की वो उन्होंने सार्वजनिक की, लेकिन प्रमुखता से अगर राज्यपाल के कोई बॉस होते तो वो राष्ट्रपति होते। सवाल ये है कि क्या राष्ट्रपति को इस बारे में इत्तला जो है वो राज्यपाल या राजभवन की तरफ से की गई है, और अगर की गई तो वो सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? प्रधानमंत्री कोई उनके बॉस नहीं होते, यानी प्रधानमंत्री से सीधे तौर पर राज्यपाल का कोई लेना देना नहीं होता, वो यहाँ पर राष्ट्रपति के प्रतिनिधित्व के तौर पर और राज्य के जो संवैधानिक चीज़ें हैं उनके राज्यपाल के तौर पर यहाँ पर राज्य की प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर आते हैं। और ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह का भगत सिंह कोश्यारी का एक आचरण रहा है, वो जिस तरह से काम करने की उनकी स्थिति रही है, वो हमेशा से ही कहीं ना कहीं विपक्ष इसको मुद्दा
मुद्दा बनाता रहा है कि वो एक राजनीतिक व्यक्ति के तौर पर राज्यपाल के पद पर रहते हुए काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आज ये एक बड़ा एक हथियार भी फिर एक बार विपक्ष को यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है। मुंबई में लगातार जो जैसे ये खबर सामने निकल कर आई है, जो विपक्षी खेमा है, खासतौर से उद्धव ठाकरे, संजय राउत या फिर कांग्रेस पार्टी के नाना पटोले जैसे जो नेता है, वो लगातार राज्यपाल को निशाने पर लेते हम देख रहे थे। बीते दिनों भी राज्यपाल को तब भी निशाने पर ले रहे थे जब छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर उन्होंने बयान दिया, मुंबई को लेकर उन्होंने बयान दिया, अपनी पार्टी के कई लोगों की तरफ से भी आलोचना का उन्हें सामना करना पड़ा। क्या यही लग रहा है इसी की वजह से कुछ नाराजगी है उनके मन में, और हो सकता है कि ये नाराजगी दूर हो जाए? जी देखिए, मुख्य तौर पर जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि एक साल पहले भी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने इस संदर्भ में खुद सार्वजनिक मंच से, वो महाराष्ट्र के सोलापुर इलाके में एक कार्यक्रम में शिरकत करने गए थे, तब भी उन्होंने कहा था कि मैं अब पहाड़ी इलाके का रहने वाला हूँ और मुझे पहाड़ी इलाके में फिर एक बार काम करने की इच्छा है, लिहाजा मैंने अपने वरिष्ठों को इस बात की इच्छा व्यक्त की है कि मुझे अब इस पद से हटा दिया जाए। हालांकि इस बात को एक साल बीत चुका है, उसके एक साल के भीतर महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो कई तरह की राजनीतिक गतिविधियां और कई उलटफेर भी देखने को मिले, और अब एक बार फिर कुछ दिनों पहले मुझे याद है कि एक से डेढ़ महीने पहले की बात है, जब जो विवाद पैदा हो गया था छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर उन्होंने एक बयान दिया था, उसके बाद भी उन्होंने कुछ निजी अपने दोस्तों के साथ और जो मुंबई में उत्तर भारतीय संघ के कुछ बड़े नेता उनसे मुलाकात करने गए थे, तब भी इस तरह की बात जो है उन्होंने उनके सामने व्यक्त की थी कि मैं अब इस पद पर नहीं रहना चाहता, क्योंकि मेरे मन में छत्रपति शिवाजी महाराज हो या फिर संभाजी महाराज हो, इनके प्रति जो है किसी भी तरह का कोई गलत भावना नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पर महाराष्ट्र की राजनीति में टारगेट किया जा रहा है, लिहाजा मैं अब इस पद पर नहीं बना, तो पद उनको क्यों छोड़ना चाहिए? इस विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले लोगों को अपनी विचारधारा छोड़ने वाली बात कहनी चाहिए। इतने बड़े पद से हटने की इच्छा जाहिर करना, पर्दे के पीछे क्या कहा जा रहा है? जी देखिए, पर्दे के पीछे एक ये भी है कि जो यहाँ की बीजेपी पार्टी है वो भी कहीं ना कहीं राज्यपाल के इस तरह के बयान की वजह से जो है मुश्किल में आ जाती है और उन्हें फिर जवाब देना नहीं पड़ता। तो मुझे जो जानकारी हमारे सूत्र बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि बीजेपी यानी महाराष्ट्र बीजेपी के भी कई नेता जो है इस तरह की इच्छा गृहमंत्री अमित शाह के सामने व्यक्त कर चुके हैं कि खुद राज्यपाल अगर इस पद पर रहने नहीं चाहते तो उन्हें कोई और जिम्मेदारी जो है वो सौंप देनी चाहिए, और इसीलिए महाराष्ट्र बीजेपी के नेता भी अब जब इस तरह की चिट्ठी सामने आई है तब इस तरह की कोई प्रतिक्रिया जो है वो देते हुए नहीं दिख रहे, वे मौन जो है वो बरतना यहाँ पर मुमकिन समझ रहे। लेकिन रौनक, एक सवाल ये भी है, जैसा आप कह रहे हैं कि अगर राज्यपाल की इच्छा नहीं वो आगे जताना चाहते तो कोई और पद दे देना चाहिए, लेकिन उनके इस ट्वीट से साफ हो रहा है कि क्या वो राज्यपाल का पद छोड़ना चाहते हैं या राजनीति छोड़ने की बात करें, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि मैं अपना आने वाला जो जीवन है, बचा हुआ जीवन है, उसे बाकी की गतिविधियों में बिताना चाहता हूं, तो राजनीति छोड़ना चाहते हैं या पद छोड़ना चाहते हैं, पहले ये स्पष्ट हो जाए। जी देखिए, मुख्य तौर पर अगर उनका जो पत्र राजभवन की तरफ से जारी किया गया उसको पढ़ने के बाद तो यही समझ में आता है कि वो फिलहाल राज्यपाल पद जो है पूरी तरीके से छोड़ना चाहते हैं और आगे का जो जीवन है वो पढ़ने में व्यतीत करना चाहते हैं, लिखने में व्यतीत करना चाहते हैं, इस तरह की भावनाएं जो है उन्होंने अपने पत्र में व्यक्त की है। तो साफ तौर पर ये कहीं नहीं लिखा गया है कि वो राजनीति से संन्यास लेने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि वो उत्तराखंड की राजनीति में खासतौर से काफ़ी सक्रिय जो है वो दिखाई देते हैं, भले वो राज्यपाल महाराष्ट्र के बने, लेकिन हर दूसरे महीने में वे उत्तराखंड का दौरा करते हैं और वहां पे अलग-अलग कार्यक्रम में शिरकत करते रहते हैं। और इसके पहले भी जो हमारे दूसरे सहयोगी बता रहे थे कि उत्तराखंड की राजनीति में भगत सिंह कोश्यारी का एक अपना अलग वजूद है, वे चाहे विपक्ष में हो या फिर सरकार में हो, उनकी बातें जो है वो निश्चित तौर पर वहां के जो लोग हैं वो सुनना पसंद करते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या वापस उत्तराखंड जाकर वो सक्रिय राजनीति का हिस्सा बनेंगे, इसका जवाब राज्यपाल ही दे सकेंगे। अब ये बताएं कि महाराष्ट्र में सत्ता दल या विपक्ष जिसके भी पर्दे के पीछे की बात करें कि बीजेपी की चाह है जो इस पत्र के तौर पर फॉर्मेलिटी के साथ लिखी गई है, ये इस चिट्ठी के आने के बाद उधर से क्या रिएक्शन, कैसी सुगबुगाहट है और विपक्षी खेमे में किस तरीके की स्थिति है, इस चिट्ठी के बाद राजनीतिक माहौल कैसा? जी देखिए, मुख्य
जी देखिए, मुख्य तौर पर विपक्ष जो है वो सवाल ये उठा रहा है कि प्रधानमंत्री के सामने इस तरह की इच्छा राज्यपाल क्यों व्यक्त कर रहे हैं। अगर राज्यपाल को जाना है तो वो सीधे राष्ट्रपति से मुलाकात कर अपनी बात जो रख सकती है, और केंद्र सरकार अगर इसके पहले भी इतना बड़ा आंदोलन जो है विपक्षी खेमे की तरफ से किया गया और राज्यपाल जब कुछ लोगों से व्यक्तिगत मुलाकात करते तब भी वो इस तरह की बात जो है वो कहते रहते हैं, तो सवाल ये है कि केंद्र सरकार राज्यपाल की इच्छा की पूर्ति क्यों नहीं कर रही। अगर वो इस पद पर नहीं बना रहना चाहते तो केंद्र सरकार ने अब इस पर एक्शन करने की जरूरत है। राज्यपाल को लेकर इस तरह की जो भूमिका केंद्र सरकार ले रही है उसकी वजह से महाराष्ट्र में भी कई तरह के सवालिया निशान जो है खड़े होते दिखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की इस पद पर बने रहने की इच्छा नहीं है तो क्यों उसे जानबूझकर केंद्र सरकार जो है बनाए रखना चाहती है। इसलिए केंद्र सरकार पर भी सवालिया निशान जो है विपक्ष खड़ा करता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर महाराष्ट्र बीजेपी या फिर एकनाथ शिंदे के जो गुट है उनकी नेताओं की अगर बात की जाए तो किसी भी नेता की फिलहाल कोई प्रतिक्रिया जो है सामने नहीं आई है। सभी लोग इस बात की ओर नजर टिकाए हुए कि केंद्र सरकार राज्यपाल के इस निवेदन के बाद या फिर राज्यपाल के अधिकृत इस चिट्ठी के बाद क्या कुछ बयान देते हैं। इस ओर सभी की निगाहें टिकी हुई है और जो सूत्र ये भी बता रहे हैं कि चूंकि 26 जनवरी आने वाले कुछ दिनों में आने वाली है, लिहाजा केंद्र सरकार 26 जनवरी के मौके पर इस तरह के फैसले जो है वो लेती हुई दिखती है, लिहाजा ये टाइमिंग को भी जो है वो साधा जा रहा है कि क्या ये टाइमिंग इसी लिहाज से पत्र जो है 3 दिन पहले रिलीज राजभवन की तरफ से किया गया। ये कुछ भी ना कहना कि पढ़ाई लिखाई और शांति से काम करने के लिए वक्त आगे अपने कार्यकाल के बाद भी चुन सकते थे, ये सब ना कहना एक चुप्पी भी एक तरीके का बयान ही है रौनक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। जी निश्चित तौर पर एक बयान ही, और यही जो राजनीतिक गलियारों में निश्चित तौर पर जो चर्चा सुनने को मिल रही है, कई नेताओं से भी हमारी कुछ देर पहले जब ये चिट्ठी सामने आई उसके बाद बीजेपी के कुछ नेताओं से बात हुई तो निश्चित तौर पर ऑन रिकॉर्ड तो कोई बात करने के लिए तैयार लेकिन नहीं है, लेकिन जो हमें जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है वो यही है कि बीजेपी के नेता भी नहीं चाहते कि वे इस पद पर बने रहे, क्योंकि उनके कई बयानों की वजह से खुद जो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी है वो यहाँ पर मुश्किल में विपक्ष के निशाने पर आती हुई दिखाई देती है और फिर उन्हें जवाब देना नहीं बनता। इसलिए अगर खुद भगत सिंह कोश्यारी जो राज्यपाल है वो चाहते हैं कि वो यहाँ से जाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार ने इस पर जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए। ये कई सवाल इस मुद्दे को लेकर खड़े होते हैं, उम्रदराज नेता है, इतने एक्सपीरियंस नेता है और एक राज्यपाल के पद पर जो कि इतना गरिमा का पद होता है उस पद को लेकर बीते दिनों जिस तरीके से बयानबाजी हम सबने सुनी, जो सामने आया विपक्षी दल के नेताओं ने जिस तरीके से राज्यपाल की इस गरिमा पर सवाल उठाए थे, अब ऐसे में कहीं ना कहीं ये माना जाए कि बीजेपी की तरफ से जल्दी इस पर कुछ रिएक्शन या कुछ भी इस पर स्टेटमेंट सामने आ सकता है, कुछ फैसला लिया जा सकता है या फैसला बदला भी जा सकता है। जी देखिए, जो सूत्र बताते हैं कि मुख्य तौर पर बीजेपी के जो बड़े नेता है, खासतौर से जो राज्य के उप मुख्यमंत्री है या फिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, ये दोनों की तरफ से तभी बयान सामने आएंगे जब केंद्र सरकार इसको लेकर कोई आधिकारिक तौर पर बयान जारी करेगा, क्योंकि ये मामला राज्यपाल से जुड़ा हुआ है, एक संवैधानिक पद है, लिहाजा इस पर कोई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं देकर बीजेपी अपने ही पूर्व नेता को जो है वो मुश्किल में नहीं लाना चाहती, लिहाजा केंद्र सरकार इस पर क्या फैसला लेती है कि या फिर राष्ट्रपति इसको लेकर क्या कुछ बयान उनकी तरफ से जारी करते हैं इसका इंतजार बीजेपी के नेता कर रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर जिस तरह की चिट्ठी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और उनके राजभवन की तरफ से जारी की गई है उसने महाराष्ट्र की राजनीति को गर्मा दिया है। सवाल यह है कि क्या अगले कुछ दिनों तक ही इस राजभवन में अब भगत सिंह कोश्यारी रहेंगे या फिर उन्हें और लंबा इंतजार करना पड़ेगा, केंद्र सरकार उनकी इच्छा की जल्द जो है उस पर विचार करेगी या नहीं, इन तरह के कई सवाल है जिसका जवाब आने वाले कुछ दिनों में जो है मिल सकेगा। थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन ये चिट्ठी क्या अभी तक प्रधानमंत्री तक ही पहुंची है रौनक, या जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे हैं कि राष्ट्रपति तक ये चिट्ठी पहुंचेगी उसके बाद इस पर कुछ डिसीजन आएगा, क्या राष्ट्रपति तक अभी कुछ पत्र लिखकर भेजा गया है? जी देखिए, इस तरह की कोई जानकारी राजभवन की तरफ से नहीं दी गई है। हमने भी जो राज्यपाल के यहाँ पर OSD है उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की, क्योंकि जब आधिकारिक तौर पर राज्यपाल का इस तरह का बयान मीडिया को रिलीज़ किया गया है कि उन्होंने प्रधानमंत्री से जो मुंबई दौरा था उस दौरान इस तरह की इच्छा व्यक्त की, तो लिहाजा हमने जानने की कोशिश की कि क्या राष्ट्रपति को भी इस तरह की कोई चिट्ठी लिखी गई है, तो कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है राजभवन की तरफ से नहीं दिया गया है। ऐसे में फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि क्या
वाकई में राष्ट्रपति को भी पत्र व्यवहार कर कोई जानकारी राज्यपाल की तरफ से साझा की गई या नहीं। लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि पिछले दिनों जब विपक्ष की तरफ से आरोप किए गए तब उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह, क्योंकि राज्यपालीय पद जो है एमएचए के अंडर में आता है, तो उन्होंने चिट्ठी जरूर लिखी थी और ये भी उस चिट्ठी में जिक्र किया था कि आप मेरी जिम्मेदारी तय करिए, क्योंकि मेरे मन में छत्रपति शिवाजी महाराज के को लेकर किसी भी तरह की कोई गलत भावना नहीं और मैंने इस तरह का कोई वक्तव्य जो है नहीं किया जिसका पॉलिटिसाइज जो है वो विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि उसका जवाब जो है अब तक गृह मंत्री की तरफ से नहीं आया है और ये दूसरा ऐसा मौका है कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने इस तरह की इच्छा जो है वो सार्वजनिक मंच से व्यक्त किए कि वह इस पद पे नहीं रहना चाहते और अपने गृह राज्य उत्तराखंड में जाकर आगे की जिंदगी जो है वो लिखने में पढ़ने में व्यतीत करना चाहते। बिल्कुल रौनक, ये तो उस चिट्ठी का जिक्र है, लेकिन इस चिट्ठी के पीछे की कहानी क्या है, किस तरीके की सियासी उठापटक है और इसके पीछे की मंशा किसकी है, ये तमाम चीजें हैं। फिलहाल देखते हैं कि ऑफिशियली इस पर क्या स्टैंड रहता है आलाकमान की ओर से। शुक्रिया रौनक तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।